हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। देखिए, आपके लिए कई न्यूज़ है और वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में फटाफट से। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो वीडियो देख लेना, अगर आपने ग्रुप सी, ग्रुप डी, TGT, हरियाणा पुलिस कोई भी फॉर्म भरा हुआ है तो। देखो, सबसे पहली बात यह है कि एग्ज़ाम डेट कब है, किसकी, ग्रुप एक और ग्रुप दो और ग्रुप और 56 और 57। तो अगर इनके एग्ज़ाम की डेट की बात करें तो यहाँ पे दो तरीके से इन्होंने बताई है कि एक तो ये कि अगर वैसे तो अभी इन्होंने जो HSSC है, देखो समय कम है, चुनाव नज़दीक है, तो पेपर तो होगा जल्दी से जल्दी। तो जो जल्दी से जल्दी की जो डेट आई है निकल के, अब क्योंकि देखो वैसे तो एक दिन की डेट और बढ़ा दी है फॉर्म भरने की, तो जो जल्दी से जल्दी जो डेट आई निकल के कि अगर सब कुछ तैयारी कर ली हो HSSC ने कि भाई सेंटर वगैरह तैयार कर लियो, सब कुछ कर लिया हो अगर, तो यहाँ पर देखो ये दिखा रखा है ग्रुप नंबर एक और दो का पेपर 27 से 28 जुलाई, ये जल्दी से जल्दी की डेट है। अगर सब कुछ तैयारी पहले से कर रखी है तो पेपर की सेटिंग, डिलीवरी, प्रकाशन, अन्य प्रकार की तैयारी, परीक्षा केंद्र, ये सब चीज़ें कर रखी है तो। और ग्रुप 56 57 का फिर हो जाएगा आपका अगस्त के फर्स्ट वीक में। ये तो हो गया वो तारीख जो अगर सब कुछ रेडी है तब। दूसरी बात, अगर सब कुछ रेडी नहीं है तो देखो मेरा टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, इधर आप जुड़ जाना, लिंक दे दिया है, वहाँ पे जुड़ जाओ क्योंकि वहाँ पे मैं अपडेट देता रहता हूँ जो भी होता है, खासकर जो फॉर्म से रिलेटेड जो चीज़ें आ रही है वो सब चीज़ें मैं आपको वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ और भी सारी चीज़ें वहाँ पे बताता हूँ, जुड़ जाना, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। अगर तैयारी नहीं है तो क्या होगा, तो फिर परीक्षा में देरी हो सकती है। पहले आया सोच रहा था कि ग्रुप एक और दो के पेपर 20-21 जुलाई और ग्रुप नंबर 56 57 का 27-28 जुलाई को ले लिया जाए, चूँकि आयोग नए सिरे से गठित हुआ इसलिए शुरू में करना कार्यप्रणाली समझने में समय लगता है। अगर चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री को बनाए रखते तो भाई वो कह रहे कि जल्दी करवा देते। तो जो ये डेट दी इन्होंने 27 से 28, तो वह 27 से 28 जो तारीख है वो एग्ज़ाम डेट हो भी सकती है, लेकिन वो होगी जब जब अब लास्ट डेट है, जैसे आज 11 तारीख है, लास्ट डेट आज के लिए फिर बढ़ा दी इन्होंने एक दिन के लिए, आज रात 12 बजे तक एक लिस्ट सी आई है कैटेगरी वगैरह चेंज करने की, उनको वेरीफाई वगैरह कुछ करने का ऐसा कुछ बोल रहा है उसमें। तो 27 से 28 तारीख को एग्ज़ाम आपका ये कह रहे हो सकते हैं, लेकिन जो मेरा अनुभव कह रहा है कि भाई 27 से 28 तारीख को एग्ज़ाम तो मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि अभी से देखो आज 11 तारीख तो हो चुकी है, अब 15 दिन का टाइम सारा बचा है, तो थोड़ा सा तो टाइम मिलेगा और अभी उनको भी तैयारी करनी, सेंटर के लिए लेटर लिखेंगे, सारा काम करेंगे। क्योंकि अगर अभी तक ये सेंटर के लिए लेटर लिखते ना, अभी तक वायरल हो जाता वो, लेकिन अभी इन्होंने सेंटर को अप्रोच नहीं किया। जहाँ तक है अभी ये CET क्वालिफाई वाली जो बात चल रही है, चलो वो बताऊँगा इस वीडियो में आगे, उसके बारे में अपडेट है CET क्वालिफाई के लिए। देखो ये तो हो गया एग्ज़ाम डेट कि अभी नहीं होगा जुलाई में एग्ज़ाम, जो एग्ज़ाम होगा अगस्त में जाके। बात करें TGT के रिजल्ट की, तो TGT का रिजल्ट अभी नहीं आएगा, अभी हाईकोर्ट में केस लंबित है तो अभी उसके ऊपर रिजल्ट नहीं आ रहा है। ग्रुप डी के रिजल्ट की अगर बात करें तो ग्रुप डी का रिजल्ट ये रहा ग्रुप डी का रिजल्ट 15 से और 22 जुलाई के बीच में ही संभव है, जो ग्रुप डी का पेंडिंग रिजल्ट है। लेकिन उसके साथ साथ एक और भी है, ग्रुप सी के जो बकाया पद हैं, यानी कि जो अभी विज्ञापन नहीं आया जिनका, उनका विज्ञापन भी एक सप्ताह के भीतर जारी हो सकता है, ये एक नई अपडेट आई है। JBT का भी इसी सप्ताह बताया गया है कि JBT का भी इस सप्ताह आ सकता है। और हरियाणा पुलिस की PMT की जो बात हो रही है, टोटल जो फॉर्म भरे गए हैं वो 1,35,000 भरे गए भाई टोटल फॉर्म, और इनकी PMT 15 के बाद संभव है। PMT देखो हो सकती है, PMT में तो कोई ज़्यादा वो नहीं है, हाँ PMT हो सकती है इसके बाद, तो ये है भाई इसमें। और कैटेगरी वाइज भी इसमें दिया गया है कि लगभग मेल कॉन्स्टेबल के लिए 92,000, फीमेल कॉन्स्टेबल के लिए 43,000 आवेदक इस फॉर्म में, मतलब इन्होंने फॉर्म भरा है, तो ये है भाई। और अब बात करते हैं इनकी अगली, एक और जो 4,000 मेल कॉन्स्टेबल और 600 फीमेल कॉन्स्टेबल, इन पदों के ऊपर भर्ती के परमिशन भी मांगी थी DGP ने, तो वो मिल गई है भाई, वो भी एक नई भर्ती आई, लेकिन वो आएगी बाद में। अब आ जाओ दूसरी चीज़ पे, अब आ जाओ यहाँ पे CET क्वालिफाई की क्या अपडेट है। तो CET क्वालिफाई के बारे में सबसे ज़्यादा सक्रिय भारत भूषण भारती जी हैं, ये लगातार इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, और जो इनको सलाह, जो CET क्वालिफाई कमेटी है जिसको सलाह दी थी, तो ये दी थी भाई कोर्ट में जाइए, अगर कोर्ट हमसे कहता है तो हम उसमें बीच में व्यवधान नहीं डालेंगे, हम उसको एग्री कर देंगे, लेकिन कोर्ट कहेगा तब।
अब बात है जी चार गुणा की कैसे करेंगे। तो चार गुणा के बारे में पहले ही बहुत कुछ लिखा है इस अखबार में। ये देखो, एक पहली बात तो ये लिखी है कि अगर कैटेगरी के अनुसार शॉर्ट लिस्ट किए तो रिजर्व कैटेगरी कट ऑफ जनरल से ज़्यादा जाएगी। इसमें एग्जांपल भी दे रखा है, देखो ये सबको पता है, पहले भी गई थी, फिर वो बराबर करने के लिए फिर 13 गुणा 11 गुणा लिए, फिर वो सब चीज़ें हुई। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा, अब की बार या तो चार गुणा है या फिर होगा क्वालिफाई। अब देखते हैं, और जो मैं आपको कह रहा था ना कि अभी पेपर होने में देरी है, वो क्वालिफाई वो यही चीज़ है। अभी CET को जो है ना कोर्ट में एक अपील डाली है क्वालिफाई को लेकर के, पुनर्विचार याचिका। तो उस याचिका के ऊपर सुनवाई होने के बाद ये डिसीजन लेंगे एग्ज़ाम कब लेना है, क्योंकि अभी जब कोर्ट में गया है। और वो उसके बारे में मैंने पूछा था उस लड़के से जो पिटिशनर है प्रवीण, तो उसने बताया था भाई चार मतलब 2 से 4 दिन इसमें आपकी जो है ना हियरिंग हो जाएगी वहाँ पे 2 से 4 दिन के अंदर अंदर। तो अब देखते हैं क्या है। बाकी इसमें यही बताया भाई चार गुणा की बजाय इसका हल एक ही है, CET क्वालिफाई, जिससे सारे केस ख़त्म हो जाएंगे और जो रिजर्वेशन वगैरह वो सब फाइनल लिस्ट में दे दिया जाएगा फिर। क्योंकि जब CET क्वालिफाई हो जाएगा तो पहले कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा, अपनी अपनी कैटेगरी हो चाहे कुछ भी हो, वहाँ पर रिजर्वेशन का मैटर ही नहीं रहेगा। तो एक ये है, तो चार गुणा का भी सस्पेंस है भाई कि चार गुणा ये कैसे लेंगे। बाकी चार गुणा का एक फॉर्मूला सा यहाँ पे बताया गया, अगर कैटेगरी के अनुसार लेते हैं चार गुणा तो जनरल कट ऑफ कम रहेगी और रिजर्व कैटेगरी कट ऑफ हाई रहेगी। तो ये एक अपडेट थी इसके बारे में, ठीक है भाई। तो एक चीज़ और भी डिमांड की है कि जब चार गुणा आप करते हो, कि जैसे मैंने थंबनेल बताया चार गुणा कैसे लेंगे, तो इन्होंने कहा है बच्चों ने डिमांड की है चार गुणा जो लेते हो तो डॉक्यूमेंट चेक करो पहले। क्योंकि अगर मान लो ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि बच्चों ने खाली देखो यहाँ पे लिखा ये रहा, ये रहा, कुछ ने पात्रता दस्तावेज स्थान पर खाली पेपर अपलोड किया, अगर CET मेरिट के आधार पर ऐसे उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया तो वो एक प्रकार से अयोग्य होंगे, मगर चार गुणा में पेपर दे चुके होंगे और मेरिट असली पात्र उम्मीदवार चार गुणा में शामिल होकर मुख्य परीक्षा देने से वंचित रह जाएगा। तो कुछ उम्मीदवारों ने दैनिक सवेरा को यहाँ भी बताया कि अगर बिना दस्तावेज जाँच के शॉर्ट लिस्ट किए तो वे अदालत में उस सूची को चुनौती देंगे। तो मतलब ये चुनौती एक तरह से कि भाई चार गुणा शॉर्टलिस्ट करना अपने आप में चुनौती है, क्योंकि क्वालिफिकेशन के चेक करके चार गुणा लेना और फिर उसके आगे ऊपर प्रोसेस होना तो ज़्यादा बेटर है, और क्वालिफाई हो जाए तो सबका रोड़ा ख़त्म। तो ये अपडेट थी 4-5 आज की, तो मैंने आपको साथ शेयर कर दी है अभी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, आपका दिन शुभ हो। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो।